अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन किसकी लापरवाही के बाइस हुआ? दोस्तों, आज की इस वीडियोस में कुछ आपको हकायक से आगाह करता हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, आज होने वाला बिजली के ब्रेकडाउन के बाइस पाकिस्तान भर बिजली की फरहमी मुअत्तल होगी और इस वक्त भी कई शहर बिजली से महरूम हैं। ज़राए का बताना है कि मुल्क में बिजली का बहरान 2014 से अब तक 9वीं बार आया है। ब्रेकडाउन के बाइस पूरा पाकिस्तान बिजली से महरूम हो चुका है। ज़राए के मुताबिक तेल और गैस बचाने के लिए मुतद्दद पावर प्लांट्स बंद थे। दो बार तरबेला से खराबी शुरू हुई, गुड्डू और थर्मल पावर स्टेशन से भी मसला ख़राब हुआ। ज़राए का कहना है कि पावर हाउसेस सुबह 7 बजे चलाए तो इंजीनियर्स और मुतलका हकाम ने लापरवाही बरती। लापरवाही के बाइस फ्रीक्वेंसी आउट हुई और सिस्टम बैठ गया। सिस्टम में मौजूद 9000 मेगावाट बिजली को नहीं संभाला जा सकता था, इसलिए पूरे पाकिस्तान की बिजली चली गई। दोस्तों, आप इस पूरे वाक़े पे किसको इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं? आखिर पाकिस्तान के इस हालत का ज़िम्मेदार कौन है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। शुक्रिया।